ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्मय पहला अध्याय, देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं? इस घोर कली काल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहां भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भगवत स्वरूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहां कांच और कहां महामूल्य मणि तथा कहां सुधा और कहां कथा। श्री सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला। अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही
पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवऋषि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूं जो श्री शुकदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं और आपका आगमन कहां से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंद आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहां सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रव ग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहां ना कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलियुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरो, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी, तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं।
ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपवती नवयुवती हो गई हूं, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूं, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूं। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है, इसी से इस समय सदाचार योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सतपुरुष दुख से म्लान हैं और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई है, और ना इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहां कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहां इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश
घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे। इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देवर्षि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। दूसरा अध्याय, भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे, तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली है। यह सोचकर ही परमानंद चिन्ह मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्रीहरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्रीहरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सत्य युग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूं। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया
तो मैं श्री हरि का दास नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप वेदाध्ययन ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन में वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत तीर्थ योग यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है, सूत जी कहते हैं। इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जंभाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्राय सूखे काट के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए? उनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो? शौनक जी, इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवर्षे इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया।